नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ मास ऑफ 0.5 फाइव के जी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड ऑन अर्जोनटल स्मूथ सरफेस कोलाइड्स विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ कॉन्स्टेंट के के हमें दिया हुआ है फिफ्टी न्यूटन पर मीटर सवाल ये है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड भी और हमारे ऑप्शन है पॉइंट वन फाइव या वन पॉइंट फाइव या फिर पॉइंट वन टू या फिर पॉइंट फाइव मीटर अपना स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होएगा सिंपल uh, सवाल है सवाल ये है कि एक गेंद है ये गेंद जाके आपकी टकराई एक स्प्रिंग से और स्प्रिंग का कॉन्सटेंट के है के अपने को दिया हुआ है फिफ्टी और ये जो गेंद है इसकी इसका मास हमें दिया हुआ है पॉइंट फाइव के जी सो एम इज इक्वल टू पॉइंट फाइव के जी और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमें दी हुई है वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड तो सवाल ये है कि जब ये स्प्रिंग से टकराएगी तो ये स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आएगा तो सिंपल यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी कानीटिंग एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सो so, हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर सो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है विच एम्प्लाईज़ एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू uh, से टू का कैंसिल हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बस हमें डेटा रखना है और अपनी वैल्यू आ जाएगी सो so, इसमें एक्स uh, की वैल्यू आ गई एम uh, को हमने रखा पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई वी यानी कि वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर एक काम करते हैं वन पॉइंट फाइव को uh, लिख लेते हैं वन बाई टू वन पॉइंट फाइव को हम लिख लेते हैं थ्री बाय टू इससे थोड़ा डेटा से uh, खेलना आसान हो जाता है थ्री बाई टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको हम डिवाइड करना है के से सो इट विल बी वन बाय फिफ्टी राइट तो एक्स की जो वैल्यू है वो हो गई ऊपर बना थ्री का स्क्वायर नीचे बना टू uh, जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो दिस विल बी हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टू का स्क्वायर जानबूझ के मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है जिससे आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा थ्री टू और टेन बाहर आ जाएंगे सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सो देट विल भी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर सो इतना आपका कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में सो विथ से विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए ज़ीरो पॉइंट वन फाइव मीटर वुड बी द राइट आंसर